गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था अभी जस्ट नरेंद्र मोदी ने एक आदेश दिया था जिसके अनुसार सीबीएसई ने नोटिस जारी किया। उस नोटिस के अनुसार यह था कि क्लास 10 की बोर्ड की एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी गई हैं और 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। अब बात यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्लास 10th की मार्किंग होगी कैसे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो आप रिजल्ट कैसे देंगे। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, कुछ स्टूडेंट रो रहे थे, कुछ स्टूडेंट काफ़ी नाराज थे, उदास थे, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको इससे तो तकलीफ हुआ ही हुआ है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कि हम 90 प्लस मार्क्स लाएंगे और अगर उनको उतना मार्क्स नहीं मिल पा रहा है तो उनको तो दिक्कत होने ही होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में सीबीएसई ने तय किया है कि कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होंगे जिसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट तय किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर आपका रिजल्ट तय होगा। उसके बावजूद भी अगर आप स्कूल के मार्किंग के अनुसार और उस ऑब्जेक्टिव के मार्किंग के अनुसार अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो आप दोबारा से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा जो नोटिस लगा हुआ है, नोटिस के सबसे आखिरी लाइन में देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा, यानी कि जब एग्जाम लेने लायक सिचुएशन हो जाएगा, तो आप दोबारा से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी से आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए तो अब तैयारी नहीं करें, स्कूल में बात कर लें या कुछ भी। आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। एग्जामिनेशन सिर्फ कागज पर कैंसिल हुआ है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसको इंटरनल असेसमेंट स्कूल को दिया जाएगा और स्कूल उस आधार पर उसका एग्जामिनेशन लेगा ही लेगा। ठीक, तो आपको प्रिपरेशन करना है, बस अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा सब्जेक्टिव के तरफ से मोड़ करके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर के जाना है। यानी कि आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखना है, स्कूल में प्रैक्टिकल या जो कुछ भी है थोड़ा सा, बाकी सारे जितने भी अभी इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं, आगे जो भी स्कूल से नोटिस आ रहा है उस पर काफ़ी अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।